मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें आप लोग के मैथ के हम लोग अगेन यानी फिर से आप लोग के लिए ऐसे 10 सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी जिन स्टूडेंट लोगों को मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्न से डर लगता है कि क्या सर हम लोग कर पाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। आप लोग को जो यहाँ से कराते हैं, जो आप लोग को सिखाते हैं, बस ओका सीधा से करते रहिए, ठीक है ना। बस याद रखिएगा कि जो संघर्ष का दौर होता है वो इतना आसान नहीं होता है, और संघर्ष का दौर इतना आसान रहता ना तो मेरे प्यारे बच्चों सफलता बहुत तुच्छ हो जाती। लेकिन आप लोग जानते हैं कि संघर्ष के इस मैदान में, ठीक है ना, आप लोगों को डट के रहना है, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, तब जाके जो आप लोगों को सफलता मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों वह आप लोगों को आजीवन याद रहेगी। तो यहां से हम लोग अपने संघर्ष के दौर में सारे चीजों को, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आप लोग का नंबर बहुत ज्यादा आने वाला है। बस मन में विश्वास रखकर, ठीक है ना, और एकदम सीधा से ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहां से आप लोग के मैथ के आज हम लोग 10 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और आप लोग को उनको अच्छे से समझना है। यदि बोर्ड एग्जाम आपके में, ठीक है ना, यदि आपके परीक्षा में यदि कंसेप्ट रिपीट करेगा, यदि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन वही आएगा, तो आप लोग वहाँ बिना कोनो मेरे प्यारे बच्चों परेशानी के आप लोग सवालों को बना दीजिएगा। यहाँ से हम लोग अपने आज के प्रश्नों को बनाने का काम चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, डाटा कुछ इस तरह दिया गया है। बोला गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई कोट एक्स बराबर 2 cos x है। अब एकरा के क्या करना है बाबू लोग, हम लोग को हल करना है, और यह सवाल आप लोग के अवकल समीकरण से है, समझ गए ना, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और इससे सवाल आना फिक्स है बाबू, समझ गए ना। यह अवकल समीकरण का सवाल है, और यहाँ से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बाबू सवाल आना एकदम आप लोग का 100% क्या है, फिक्स है कि आप लोग का आए ही आएगा, समझ गए। तो आप लोगों को तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखना है, तैयारी एकदम आप लोगों को भरपूर रखना है। अब चलिएगा अवकल समीकरण के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को आईएफ निकालना पड़ेगा, यानी आईएफ हमारा होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो हम यहां पर बाबू लोग लिखेंगे हल, समझ गए ना। यहां पर सबसे पहले हम लोग हल की ओर जाएंगे, और हल में हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग आईएफ निकालेंगे, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। देखिएगा यहां पर हम लिख देते हैं आईएफ, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बाबू लोग, यहां से हम लिखते हैं कि हम लोग क्या निकालना है, आईएफ निकालना है। आईएफ क्या होता है कि हमारा ई के पावर में इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ई के पावर में हमारा इंटीग्रेशन होता है, वाई के गुना में क्या है, कोट है ना, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कोट एक्स लिख देंगे, हो गया। उसके बाद देखिएगा यह डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स के, तो यहां पर हम लोग डी एक्स लगा देंगे, समझ गए ना। यही तो हम लोग करना होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहां देखिएगा बाबू लोग, यहां हम लोग का ई हो गया, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है ना, कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह हम लोग का होता है लॉग साइन एक्स होता है, याद रखिएगा। तो कोट एक्स का लॉग साइन एक्स हो गया, लॉग में यहां पर ई हमारा छिपा रहता है, तो यह ई और यह ई बराबर हो गया, तो यह साइन एक्स हम लोग का यहां से आंसर हो जाएगा, तो यह आप लोग का हो गया बाबू लोग हमारा साइन एक्स, यानी आई एफ हमारा कितना आ गया, साइन साइन एक्स आ गया। अब जब आईएफ हमारा इतना आ गया ना, तो अब देखिए यहां से इसको हल करने का तरीका क्या होता है, यानी हम यहां से लिखेंगे कि अवकल समीकरण का हल, ठीक है ना, अवकल समीकरण, क्योंकि अब यहां से हम लोग अवकल समीकरण का हल करेंगे। तो देखिएगा हम यहां पर लिख देंगे कि बाबू लोग अवकल समीकरण का जो हमारा हल होगा वह देखिए क्या होगा, यह होता है हम लोग का वाई गुना, ठीक है ना, वाई गुना हमारा आईएफ होता है, प्लस के मेरे प्यारे बच्चों यहां से इंटीग्रेशन होता है, और इसको हम लोग क्यू मानते हैं,
तो यहाँ से Q गुना हमारा यहाँ से IF हो जाएगा और ओकरा बाद हमारा यहाँ से DX हो जाता है। देखिए एकरा का जो आप लोग पूरा पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला बराबर के ने बाद मतलब जितना रहता है ना एकरा हम लोग Q मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का Y हो गया और ओकरा बाद यह IF है, तो IF का वैल्यू कितना आया है हमारा साइन एक्स आया है तो लिख दिए। ओकरा बाद यहाँ पर देखिएगा जो क्यू का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वह हमारा यहाँ पर 2 cos x है ना, और यह जो IF का वैल्यू आया है यह IF का वैल्यू हमारा sin x है और यहां पर हमारा dx हो गया ना। तो यहां पर देखिएगा हमारा हो गया बाबू लोग कि यहाँ हो गया y साइन x हो गया, कहेगा ये सर। अब यहाँ देखिएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए जो है बाबू, यह हमारा बनेगा साइन 2x, जानते हैं ना, यह क्या बन जाएगा साइन हमारा 2x बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ बाबू लोग हमारा हो गया y साइन x हो गया, कहेगा ये सर। अब यह साइन 2x है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा बाबू लोग ना, वह हमारा माइनस का कॉस 2x है, हाँ एक्स के गुना में 2 है तो हमारा यह बाटा में आ जाएगा, प्लस का k डाल देंगे, एकरा के उठा के हम लोग एने ला देंगे, वरना हम लोग इतने पे आंसर छोड़ देंगे, समझ गए। यह हमारा हो गया अवकल समीकरण का आंसर, यही हमारा हल हो गया वाई साइन एक्स बराबर माइनस के कॉस 2x बाटा में 2 बराबर के, यह आप लोग का का समीकरण का हल हो गया। क्या आप लोगों से यह छोटा सा सवाल नहीं बनेगा, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि सर यह सवाल अब दोबारा एग्जाम में आ जाएगा तो क्या मेरे दुलारे प्यारे सिर सिरनी नहीं बना पाएंगे। अरे यार कमेंट बॉक्स में तो बोलिए कि ये सर जब समझ में आ जाता है ना तो दहाड़िए ऐसा ना मेरे प्यारे बच्चों कि कमेंट बॉक्स देखने वाले का रूह कांप जाए कि भाई यहां मैथ जो है ना बाबू एकदम दिल गुर्दा फिफड़ा में जा रहा है। तो यहां पर आप का यह हो गया। अब देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग, अगला प्रश्न आता है, यह बोला गया दूसरा का नंबर कि आप लोगों को सिद्ध करना है और सिद्ध करने में जो डाटा दिया गया है ना, वह डाटा आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है और यह आप लोग का ए का मोड ए के मोड का स्क्वायर है, बी के मोड का स्क्वायर है और यह माइनस ए डॉट बी के मोड का स्क्वायर है। यहां हम लोग को सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू लोग ना कि हम यहां पर लिखेंगे LHS, क्योंकि LHS बराबर RHS हम लोग करना होगा। तो अब देखिएगा हम यहां पर लेते हैं LHS जो कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का वेक्टर A, अक्रॉस का यहाँ पर वेक्टर बी है और एकर हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, कहेगा ये सर। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा ए क्रॉस बी का जो मोड होता है बाबू लोग ना, यह हमारा होता है ए वी साइन थीटा हमारा होता है, ए क्रॉस बी का मोड हमारा ए वी साइन थीटा होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ ससुरा मोड में दिया है तो हमको यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर तरीका से तोड़ के बोला है लिखने के लिए। यहाँ देखिए ए डॉट बी होता है और यहां पर हमारा होता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह पूरा होता है। अब यहां देखिएगा कि अब हम लोग का ए क्रॉस बी टूट गया है, अब स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो देखिएगा कि हमारा यहाँ हो गया वेक्टर ए का स्क्वायर, ओकरा बाद हम लोग का हो गया वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ पर मेरे प्यारे शेर शेरनियों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा LHS हो गया ना। अब LHS हमारा इतना आ गया ना बाबू, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि बाबू लोग कि आप लोग को अब यहाँ से RHS भी जो है ना वह भी आप लोग को निकाल देना है। देखिए RHS में क्या क्या दिया गया है कि हम लोग को यहाँ पर वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, फिर आप लोग के वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, माइनस हम लोग का वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का, यहाँ डॉट है फिर मोड है और यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, फिर हम लोग के वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, माइनस है यह ए डॉट बी जो होता है बाबू लोग ना, ए डॉट बी आप लोग का यहाँ पर देखना होगा कि क्या होगा कि यह देखिए मोड हो गया, यह तो क्वेश्चन वाला मोड है लेकिन ए डॉट बी टूटेगा ना तो हमारा वेक्टर ए, फिर ओकरा बाद हमारा वेक्टर बी और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर स्क्वायर होगा। यानी बाबू लोग आप लोग इतना याद रखिएगा कि जब क्रॉस टूटेगा ना तो साइन आता है और जब डॉट टूटेगा ना तो कॉस आता है, बस इतना सा याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा
कि आप लोग का हो गया यहाँ पर वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर आएगा तो सह पे आ जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ पर वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, ओकरा बाद हमारा वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को एगो चीज यह देखना है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि एगो चीज आप लोग को यहाँ से ध्यान में क्या देखना है कि आप लोग का ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि ये वाला पार्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है, समझ गए ना। यहाँ पर देखिएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हम लोग का सेम है, तो दोनों सेम है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यह दोनों पार्ट को हम लोग कॉमन लेंगे बाबू लोग। तो यहाँ पर तो वन बचेगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बचेगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है बाबू लोग, ठीक है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग का होता है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिए कि यह एल एच एस के वैल्यू में यही आया है, आर एच एस के वैल्यू में यही आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख देंगे कि अतः जो है ना मेरे प्यारे सिर सरनियों कि यह आप लोग का एल एच एस है और यह आप लोगों के आर एच एस के बराबर आ गया, आ गया ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का प्रूव्ड लिख देंगे। कितना आसान है बताइएगा, तो आसान है ना, एकदम लग रहा है कि बबुआ जी सन मैथ है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया से आ गया। अब देखिएगा तीसरा नंबर सवाल आप लोग देख रहे हैं कि बोला गया है कि आप लोगों को ए दिया गया है, आप लोगों को बी दिया गया है, और आप लोगों को यहाँ से ए क्रॉस बी आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को ए क्रॉस बी आप लोगों को बताना है। चलिएगा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है ना, कि आप लोगों को यहाँ से हल कैसे करना है। यह मेरे प्यारे बच्चों हो गया वेक्टर ए, यहाँ पे क्रॉस वेक्टर बी हो गया, हो गया ना। अब देखिएगा यह हम लोग का यहाँ पर हो गया आई कैप, उसके बाद हो गया आप लोग का जे कैप, और ओकरा बाद आप लोग का हो गया के कैप, हो गया ना, कहेगा ये सर हो गया। देखिए जिसका नाम पहले है, ठीक है ना, जिसका नाम पहले है उसी का आई जे के कैप पहले लिखाएगा, समझ गए, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में गलती करते हैं। जिसका नाम पहले है वो करे आई जे आ के का गुणांक पहले लिखाएगा। तो पहले ए है ना, तो आई के गुणांक कितना है, दो है, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। यहाँ पर हमारा माइनस तीन है और यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का पाँच है, और ओकरा बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमारा माइनस का सात हो गया, वहाँ पर हमारा छः हो गया, और यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों आठ हो गया। अब एकरा के क्या करना है, चुपचाप आप लोगों को सारणिक विधि से हल करना है। देखिएगा हम आई कैप लेंगे, तो आई कैप लेंगे तो आठ का माइनस तीन में गुना होगा तो माइनस के चौबीस हो जाएगा, फॉर्मूला के माइनस है, छः का गुना माइनस पाँच में होगा तो प्लस का यहाँ पर तीस हो जाएगा, इतना हो गया ना। माइनस का हम लोग यहाँ से जे कैप लेंगे, देखिएगा माइनस का जे लेंगे तो आठ का दो में गुना होगा तो हमारा यहाँ से सोलह हो जाएगा, फॉर्मूला के माइनस है। माइनस सात का गुना माइनस पाँच में होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का पैंतीस, ओकरा बाद यहाँ से प्लस का के कैप हम लोग लेंगे तो छः का गुना दो में होगा तो यहाँ से हमारा बारह हो जाएगा, फॉर्मूला का हो जाएगा माइनस, माइनस सात गुना माइनस तीन करेंगे तो हमारा यहाँ पर इक्कीस हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि माइनस चौबीस प्लस तीस करेंगे तो हमारा प्लस का छः वाई कैप हो जाएगा, सोलह में से पैंतीस घटेगा, तो देखिए सोलह में से पैंतीस घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा, तो इसमें चार जाएगा तो बीस हो जाएगा, आप पंद्रह उन्नीस तो पंद्रह चार उन्नीस हो जाएगा, यानी माइनस का उन्नीस बचेगा, ठीक है ना। सोलह में से पैंतीस घटेगा तो माइनस उन्नीस, यह माइनस का जे है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उन्नीस का जे कैप हो जाएगा, हो जाएगा ना। बारह में से इक्कीस जाएगा तो आठ इधर और एक उधर नौ, तो यानी हम लोग का यहाँ से माइनस का नाइन के कैप हो गया, यह हम लोग का हो गया ना। यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का ए क्रॉस बी हो गया, और यही आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट का हो गया, आंसर हो गया, समझ गए।
लेकिन हम आप लोगों से क्या करेंगे कि आप लोगों को हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं कि ए क्रॉस बी का आप लोगों को मोड बताना है, फिर आप लोगों को बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है ना। जैसे हम ए क्रॉस बी निकाल दिए ना, तो इसी क्वेश्चन का बी क्रॉस ए निकालना है। हाँ, ओकर बाद आप लोगों का यहाँ से बी क्रॉस ए का मोड निकालना है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। अब यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न है। बोला गया है कि वेक्टर ए बराबर यह दिया गया है और वेक्टर बी बराबर यह दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि ए और बी जो है ना परस्पर लंब है। समझ गए, यहां से हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो ए है और बी है ना यह परस्पर लंब है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोगों को तो हल करना है दो नंबर में, तो हम सबसे पहले प्रॉपर मेथड विधि को हम लोग लेंगे। देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि बाबू लोग सदिश रूप में, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देंगे कि आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, तब जाके हम कोई आगे का निर्णय लेंगे। तो यहाँ से हमारा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 2i कैप, ओकरा बाद हमारा यहाँ से 3j कैप हो जाएगा, माइनस का 5k कैप हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि वेक्टर बी बराबर, बाबू समझ गए ना, यहाँ से हमारा हो गया 2i कैप, उसके बाद हमारा हो गया 2j कैप, और उसके बाद हमारा यहाँ से हो गया 2k कैप, ए और बी हमारा हो गया। अब हम लोग को बोला गया है कि सिद्ध करिए कि ए और बी जो है ना बाबू यह हम लोग का परस्पर लंब है। तो अब देखिएगा हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं, समझ गए ना, और आप लोग हम बहुत अच्छे से बताए भी थे कि चूंकि हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग यहाँ से इसको जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि जब आप लोग का वेक्टर ए और आप लोग का वेक्टर बी आप लोग का लंब होता है, ठीक है ना, लंब होता है, तो यहाँ से इसका जो डॉट होता है ना बाबू यह हम लोग का जीरो होगा। ए डॉट बी हम लोग का लंब होगा तो डॉट जीरो होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यह तो लंब है, हाई दोनों लंब है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इनका डॉट करा के चेक करेंगे इनका डॉट क्या आ रहा है। तो आई वाला आई से होगा तो 2 का गुना 2 में होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा हो गया ना 2 गुना 2 हो गया, 3 का गुना 2 से होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 गुना 2 करेंगे और -5 गुना +2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा -5 हो गया और यहाँ पर हमारा 2 हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग यह 4 हो गया, +6 हो गया, -10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो अतः हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू लोग कि हमारा जो डॉट हुआ है ना ए डॉट बी का जो डॉट हुआ है यह 0 आ गया है। क्या बाबू 0 आ गया ना, तो यह जो प्रॉपर्टी है किसका है, यह लंब होने का प्रॉपर्टी है। तो बोल देंगे कि अतः हमारा ए और जो बी है ना यह लंब है। कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम अच्छे से आप लोग को बनाना है बिना कोई टेंशन के। अब यहाँ देखिए पांचवा नंबर बोला गया है कि मूल बिंदु से इस बिंदु का आप लोगों को दूरी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग की हल कि हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हल किस तरह होता है, हम बोलेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु सबसे पहले क्या होता है उसको लिखेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु को हम लोग यहाँ से ए मान लेते हैं कि जो ए है ए बराबर हमारा क्या है 0 है, 0 है, 0 है, यही ना होता है। और ओकरा बाद जो आप लोगों को एक बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, मतलब दूसरा बिंदु जो हम लोगों को दिया गया है, जो दूसरा बिंदु दिया गया है वह देखिए इसको हम लोग बी मान लेते हैं, यह जो दूसरा बिंदु दिया गया है वह ए है, ओकरा बाद बी है, और ओकरा बाद हमारा सी है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग क्या करना है, ए बी निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ए में से 0 घटेगा, घटेगा ना, तो ए में से यहाँ पर 0 घटा और एकर स्क्वायर हो गया, कहेगा यस सर, और बी में से फिर 0 घटेगा तो यहाँ पर बी में से 0 घटा एकर स्क्वायर हो गया, और प्लस आप लोगों का यहाँ पर सी -0 और एकर आप लोगों का
स्क्वायर हो गया। तो अब आप लोगों को मालूम है कि किसी भी चीज़ में से जीरो घटेगा तो वही रहेगा, तो ए में से जीरो घटेगा तो ए रहेगा और स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर हो गया, यही हमारा दूरी हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम लोग यहाँ पर एंसर लिख देंगे कि यह हमारा एंसर हो गया। अब यहाँ देखिए पाँच वो सवाल हो गया ना। अब छः नंबर सवाल पर यह बोला गया कि पी ए का वैल्यू इतना है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमा है, और पी वी का वैल्यू इतना है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू इतना है, तब पी ए बाई बी और पी बी बाई ए हम लोगों को निकालना है। ये सवाल फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा, मतलब कौनो ग्रह और नक्षत्र नहीं रुकेगा आने से, समझ गए ना एकदम। ये सवाल फिक्स है बाबू कि पारिकता से यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, डाटा भले चेंज रहेगा, समझ गए ना एकदम। डाटा आप लोग एग्जाम में भले चेंज रहेगा लेकिन यह वाला टाइप से आपके एग्जाम में सवाल आना फिक्स है। अब चलिएगा, हम लोग को मालूम है कि पी ए पी ए बाई बी निकालना हो चाहे पी बी बाई ए निकालना हो, हम लोग को इंटरसेक्शन चाहिए, क्या बाबू इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ तो यूनियन देख रखा है महाशय। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डाटा दिया गया है ना, इस डाटा के आधार पर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा कि आप लोगों का यहां से पी ए हो जाएगा, ओकरा बाद हम लोग का यहां से पी वी हो जाएगा, और उसके बाद बाबू लोग हमारा यहां से हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन हमारा बी हो गया, हो गया ना। चलिएगा पी ए का जो वैल्यू है वह मालूम है कि आप लोग का 2/5 है, पी वी का जो वैल्यू है वह हमारा 3/5 है, पी ए यूनियन सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा यूनियन आएगा, यह आप लोग का यूनियन हो गया। यूनियन का जो वैल्यू दिया गया है वह 3/4 है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों का हम लोग का एलसीएम सेम है, ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा इसको जब जोड़ेंगे ना तो हमारा यहाँ से चाहे चुड़ के एक के बार में ले लेते हैं, 5 और 4 का जो एलसीएम होगा ना वह 20 होगा, तो 5 से कटेगा 4 बार में और 2 में गुना होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5 से कटेगा 4 बार में और 3 में गुना होगा तो 12 हो जाएगा, यह 4 से कटेगा 5 बार में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 12 8 20 और 20 में से 15 गया कितना हो गया 5, नीचे हम लोग का 20, तो 5 ले 20 कटेगा 4 बार में, यानी हम लोग का कितना आ गया 1/4, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया ना ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू हो गया वह आप लोगों का 1/4 आ गया। अब चलिए आते हैं डाटा पर, डाटा बोला गया है कि आप हमें पी ए बाई बी बता दीजिए, तो यहाँ देखिएगा कि आप लोगों का पी ए हो गया, यह हम लोग का बी हो गया, पी ए बाई बी हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पर आप लोगों का देखिएगा पी ए हो गया, यह इंटरसेक्शन बी हो गया, हाँ नीचे जो है ना बाबू यह हमारा यहाँ पर पी बी हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारा 1/4 आया है, हाँ पी वी का जो वैल्यू है ना वह हमारा 3/5 है, ठीक है ना 3/5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 जाएगा ऊपर है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग को जो निकालना है ना वह मेरे प्यारे बच्चों पी बी वाई ए निकालना है, तो पी बी वाई ए का जो फॉर्मूला होगा वह हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। हाँ देखिए जौन नीचे रहेगा ना वही नीचे आता है इस फॉर्मूला में, ये को याद रखिएगा कि जौन नीचे रहेगा वही हमारा नीचे आता है। तो अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 आया था ना, अब पी ए का जो वैल्यू है वह आप लोगों का 2/5 है, तो हमारा 5 जाएगा ऊपर है, हाँ 2/4 में गुना होगा 8 हो जाएगा, तो यह हम लोगों का आंसर हो गया, एगो 5/12 आएगा, एगो 5/8 आएगा। तो ऐसे सवाल आप लोगों से बनने चाहिए, 6 को सवाल हो गया। अब देखिए 7 नंबर बोला गया है कि 2 सदिश दिया गया है और इसमें आप लोग का वेक्टर ए का वैल्यू है, वेक्टर बी के मोड का वैल्यू है, और आप लोगों को यहाँ पर ए डॉट बी दिया गया है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड बताना है कि यह आपका कितना होगा, समझ गए ना, ये बताना है कि कितना होगा। तो अब ध्यान से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, जैसे मेरे प्यारे सिर सिरनियों, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, देखिएगा कि आप लोग के वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर रहता है तो हमें क्या लिखते हैं, वेक्टर ए के मोड का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वह आप लोग के वेक्टर ए का मोड और डॉट यहाँ पर वेक्टर ए के मोड रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा यह स्क्वायर रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं,
समझ गए, कहिएगा ये सर समझ गए। तो हम क्या करते हैं देखिएगा कि हम सबसे पहले यहां पर आते हैं हल में, ठीक है ना। हल में आने के बाद हम यहां पर लिखते हैं वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करते हैं। देखिएगा यह, देखिए यह वाला इसी के तरह है ना, हम स्क्वायर लिखे हैं तो स्क्वायर लिखे हैं तो दोनों का क्या हुआ है, डॉट हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर डॉट होगा, वेक्टर ए अब माइनस के वेक्टर बी हम लोगों का हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग को इस फॉर्मूला को हल करना है। चलिएगा हम लोग डॉट करवाते हैं। जब ए का मोड ए का गुना ए से होगा, ठीक है ना, ए का गुना ए से होगा तो हमारा ए के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। जब ए का गुना बी से होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर ए और यहाँ पर हमारा यह हो जाएगा, कहेगा ये सर। अब बी का गुना हमारा ए से होगा तो माइनस का यहाँ पर बी का मोड और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर ए का मोड हो जाएगा। बी का गुना बी में होगा तो यहाँ पर हमारे वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि ए के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हम इसको अभी असही चारुकी लिख देते हैं, शायद दिया हुआ है ए का जो मोड है दिया है दो, तो यहाँ पर हम लोग दो का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि वेक्टर ए का मोड, ओकरा बाद आप लोग के वेक्टर बी का मोड। अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग एगो वेक्टर में नियम होता है कि हम लोग वेक्टर ए और डॉट बी जो रहता है ना, हम लोग एकरा के बी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब कि डॉट में ए और बी रहेगा ना तो एकरा के बी और ए हम लोग लिख सकते हैं पलट के, ठीक है ना। ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ देखिए यह ए और बी था तो हम एकरो के क्या कर सकते हैं बाबू लोग, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना ए, और हमारा यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया। बी के मोड का वैल्यू कितना दिया है तीन, तो यहाँ पर तीन का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि क्या हो गया, यहाँ पर दो का स्क्वायर चार हो गया, हो गया ना। यह एगो आ यह एगो कै गो हो जाएगा, दो गो हो जाएगा ना। यह एगो देखिएगा यहाँ पर दो गो हो जाएगा, यहाँ पर टू वेक्टर ए माइनस का नौ हो गया, कहेगा ये सर यह हो गया। और इधर जो आप लोग का यह चल रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का चार हो गया। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना, ये वाला प्लस होगा, ये प्लस हो गया। नौ आ चार कितना हो जाएगा तेरह हो गया, कहेगा ये सर माइनस यहाँ पर दो हो गया। यह जो मोड दिया गया है कितना दिया गया है, चार दिया गया है, तो यहाँ पर चार लिख देते हैं, हो गया ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि तेरह में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा, तेरह में से मेरे प्यारे बच्चों आठ जाएगा तो हम लोग का पाँच बचेगा, ठीक है ना, पाँच बचेगा। और इधर हमारा क्या चल रहा था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, यही ना चल रहा था, बताइएगा। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोगों का जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड का जो स्क्वायर चल रहा था उसका वैल्यू कितना आया, पाँच आया है। तो अब हम लोग यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो मोड होगा वह आप लोग का रूट पाँच होगा, क्योंकि आप लोग ही बताइए x स्क्वायर का वैल्यू हमारा पाँच होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट पाँच होगा, होगा ना। तो इसका वैल्यू पाँच है तो स्क्वायर हटेगा तो यानी रूट आ जाएगा। तो जो हम लोग का यहाँ से राइट आंसर बनेगा वह बाबू लोग हम लोग का यह आएगा। यह पूरा चीज़ जो है ना आप लोगों को याद रखना है, बाकी ये वाला जो है आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, लेकिन यह सलूशन आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब यहाँ देखिएगा आठवां नंबर सवाल है, यह आप लोग की इंटीग्रेशन से है और इसका आप लोगों को हल करना है, समझ गए ना। इंटीग्रेशन के इस सवाल को आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर और जो हम लोग का दिया गया है यह आप लोग का थ्री एक्स स्क्वायर है और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर x के पावर सिक्स प्लस का यहाँ पर वन है और यहाँ पर हमारा dx हो गया, हो गया ना। अब इसको बनाने का रूल और नियम यह कहता है ना, देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, कहेगा ये सर यह x के पावर छ है तो क्या हम लोग इसको x के पावर थ्री को स्क्वायर प्लस का वन कर दे
और यहाँ पर हम लोग dx कर देते हैं, यह हमारा i हो गया। अब यहाँ देखिए बाबू, हम क्या करेंगे ना कि मानेंगे, किसको मानेंगे आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग यहाँ से x के पावर 3 को हम लोग t मानेंगे। x के पावर 3 का हम लोग dc करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना वह हमारा dt अपॉन का dx होगा। dx को इधर लाइए और इस 3 को इधर लेके जाइए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x स्क्वायर यहाँ से dx हो जाएगा और यहाँ से जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों dt अपॉन 3 हो जाएगा। याद रखिएगा यह हम लोग का dt अपॉन का 3। अब यह देखिएगा सारा वैल्यू, ये वाला और ओकरा बाद आप लोग का ये वाला, दोनों वैल्यू, ये वाला दोनों वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे, तो आप लोग का यहाँ से जो होगा वह i बराबर, ठीक है ना, देखिएगा ऊपर वाला के जगह पे तो हमारा dt आ जाएगा और नीचे वाला के जगह पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर जो होता है ना, यह हम लोग का टेन इनवर्स टी प्लस का हमारा के हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा हो गया टेन इनवर्स और टी का जो वैल्यू माने हैं वो हमारा एक्स क्यू है और यहाँ पर बाटा में हम लोग का शायद 3 भी था, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का 1 बटा 3 बाहरी कर देते हैं, यहाँ पर हमारा 3 बाहरी आएगा प्लस का के हो जाएगा। तो फाइनली आंसर जो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ पर हमारा टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स क्यू बाटा में 3 प्लस का के, ठीक है ना, यह हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 को हो गया ना। 9 नंबर देखिएगा, बोला गया है पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, 2PA और PB का वैल्यू 5/13 है और PA by B का वैल्यू इतना है। तो अब देखिएगा बाबू लोग क्या करना है, जैसे आप लोग यहां से देखिएगा कि हम लोगों को जो डाटा दिया गया है ना वो PA by B दिया गया है, समझ गए ना, कितना PA by B दिया गया है। तो हम यहां लिखेंगे हल, समझ गए ना, हम यहां लिखेंगे हल में। अब हल में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग को जो डाटा गिवेन है क्वेश्चन में वह हमारा पी ए बाई बी है, तो पी ए बाई बी जो हम लोग को दिया गया है वह आप लोग का 2/5 है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, और नीचे जो रहता है ना वही हमारा यहाँ पर आता है, पी बी हो गया और यहाँ पर हमारा बाबू 2/5 हो गया, हो गया ना। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का तो वैल्यू हम लोग को मालूम है नहीं, लेकिन पी वी का वैल्यू मालूम, देखिए पी वी को हम लोग एक में गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना यह आप लोग का 2/5 इंटू का हम लोग का यहाँ पर पी वी हो गया, ठीक है, ये सर यह हो गया। अब देखिए 2/5 हो गया और यह हमारा पी वी है, तो पी वी का वैल्यू कितना दिया गया है 5/13, तो यहाँ पर हम 5/13 लिखते हैं, तो 5 से 5 खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 2/13। किसका वैल्यू हो गया, यह हम लोग का वैल्यू आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13 आ गया। जब इसका वैल्यू यह आ गया तो हम लोग का यूनियन निकल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग को 2P, ठीक है ना, यहाँ पर A का वैल्यू हम लोग का 5/13 है, कैसे देखिएगा 2PA का वैल्यू 5/13 है और पी वी का वैल्यू भी 5/13 है, तो पी वी का वैल्यू तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना कि पी वी का वैल्यू 5/13 है, लेकिन 2PA है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का पी ए निकालेंगे, समझ गए ना, पी ए निकालेंगे तो यह 2/ में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 5/26 हो जाएगा, समझ गए ना, कितना 5/26 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को जो निकालना है ना वो हम लोग का पी ए यूनियन बी है, तो एकर जो फॉर्मूला होता है बाबू ना, इसका फॉर्मूला होता है पी ए, ओकरा बाद हम लोग का फॉर्मूला होता है पी वी, और उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग का होता है यह आप लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखिए पी ए का जो वैल्यू है वह हमारा 5/26 होगा, पी वी का जो वैल्यू है वह 5/13 है, आप पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाले हैं हमारा यहाँ से 2/13 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो हमारा 26 एलसीएम हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 10, 5, 15 में से 4 घटेगा तो 11, तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वह 11/26 हो जाएगा।
किसका बाबू लोग, तो हम लोग का पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा ना वह आप लोगों का 11 बटा में 26 हो जाएगा। कितना बच्चे लोगों को यह सही लगा है बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कि ये सर जी अब हम लोगों से निकल जाएगा ना इतना आराम से, 9 हो गया। अब देखिएगा 10 नंबर सवाल है, बोला गया उस तल का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है ना, कि एक्स वाई जेड अक्षों का जो क्रमशः हम लोग का अंतःखंड है वह 2 है 3 है 4 है, इस तरह दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल नहीं बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। देखिए कैसे हल में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि एक्स वाई जेड अंतःखंड का समीकरण, ठीक है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि आप लोग का जो अंतःखंड रहता है ना, अंतःखंड का समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिएगा अंतःखंड का जो समीकरण होता है वह आप लोग का होता है एक्स अपॉन ए प्लस का आप लोग का वाई अपॉन का बी और प्लस का आप लोग का जेड अपॉन सी, ठीक है ना, बराबर हम लोग का यहाँ पर 1 होता है। चलिएगा यहाँ पर हमारा एक्स हो गया, अंतःखंड कितना दिया गया एक्स वाला 2 है ना, यहाँ पर वाई है, देखिए ये वाला अंतःखंड एक्स अक्ष का है, ये वाला वाई अक्ष का है और ये वाला जेड अक्ष का है। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू 2 है और हम लोग का बी का वैल्यू 3 है और हमारा सी का वैल्यू कितना है बाबू 4 है। ए और बी और सी का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा बी का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ से हम लोग का जेड का वैल्यू 4 हो गया, बराबर का हम लोग 1 कर लेते हैं। ओकर बाद एलसीएम लेंगे तो मेरे 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 का यहाँ 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 3 से 12 4 बार में कटेगा तो 4y हो जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार में तो 3z हो जाएगा, बराबर का हम लोग यहाँ से 12 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया 6x प्लस का हमारा 4y हो गया प्लस का हमारा 3z हो गया बराबर का हमारा 12 हो गया और यह आप लोगों का समीकरण हो गया, समझ गए ना, यह आप लोगों का समीकरण हो गया। हम लोग एकरा के लगा देंगे आंसर, हो गया ना। तो आज की क्लास में आप लोग देखे हैं कि यहाँ से हम लोग 10 प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के भाई के द्वारा जो यहाँ से 10 प्रश्नों का सलूशन हम यहाँ से किए हैं आप लोग के 10 का 10 समझ में आया है या नहीं, ठीक है ना। यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए, समझ गए ना, कि ये सर जी पूरा अच्छे समझ में आ गया है। बाकी हम मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स का काम बनाने का जो है चालू रखिए और रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए, एकदम प्रैक्टिस करते रहना है मैथ में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।